बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो सीपीटी मॉडल को सिर्फ लेके बैठे हुए हैं कि दैट इज़ द आई थिंक स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी। नो, स्कूल जब तक आप स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी 2021 को नहीं समझेंगे तब आई थिंक आप बाकी चीज़ों को भी सही तरीके से नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि इस पॉलिसी को लेके आना ये बहुत पुरानी कहानी है। आपने 2016 में भी या 13 से लेके ये क्लस्टरिंग जो कैंपस स्कूल सिस्टम या क्लस्टरिंग पॉलिसीज आई थी तो उसके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी डिस्कशन हुई है, उसके ऑलरेडी नोटिफिकेशंस भी हैं। मगर इशू क्या था, उस पॉलिसी को प्रॉपरली समझने का इशू था। जो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी स्कूल के या ऑफिसर्स हैं या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, एटलीस्ट दे नो दैट कि व्हाट डज पर्पस मीन बाय दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेमवर्क क्या है इस पॉलिसी का। जब तक ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं होंगी सो हाउ कैन वी कैन सपोर्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी। CPD इज़ वन पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी के अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है तो मीन्स के वहाँ से CPD भी रोल। अब उसी को लेके जो CPD इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, मगर ये इसको पॉलिसी को हम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको समझें। सो दिस इज़ वेरी ब्रीफ कि ये वैसे तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है मगर नटशेल में मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर इसके बेसिक फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं। ये कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मतलब के अराइज हुए थे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन था कि स्कूल क्लस्टर क्या होता है। ठीक है जी, क्लस्टर किसको हम कहते हैं, चले एक तो सवाल ये था। दूसरा ये था कि अगर ये चीज़ें हैं तो फिर क्लस्टर हब स्कूल क्या होता है, फिर स्कूल सेल क्या है, फिर उसके बाद फीडर स्कूल्स क्या है। ठीक है, फिर जो क्लस्टर हब स्कूल का जो हेड होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। अच्छा चले ठीक है, उसके बाद जो सेल हब का हेड होगा वो कौन होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, फिर जो फीडर स्कूल्स हैं वो क्या हैं, उनके अंदर किस तरह मैनेजमेंट होगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोगों के माइंड में आते हैं। जब तक इनको इनका जवाब नहीं मिलेगा तो ये पॉलिसी क्लियर नहीं होगी। ये एक राइट क्वेश्चंस हैं तो इनका कोशिश करते हैं कि इनको वेरी सिंपल हम तरीके से समझाएँ कि इस CPD मॉडल के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें एक ऑब्जेक्टिव एक तो ट्रेनिंग्स को डिसेंट्रलाइज करना है, हम इसको क्लस्टर लेवल पे लेके आते हैं। अब थोड़ा सा प्रीवियस जो हमारा बैकग्राउंड है जो क्लस्टरिंग पॉलिसी थी उसके ऊपर अगर हम नज़र डालें, उसमें ये था कि हमारे पास 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी स्कूल्स थे उन्होंने उसको मैपिंग करके उसको हब स्कूल के अंदर उसको मर्ज कर दिया। फिर उसमें कैंपस स्कूल भी थे, अगर बिल्कुल क्लोज थे तो वो बाउंड्री के साथ था तो उसके साथ मर्ज हो गया, उसका सेमी स्कूल भी उसके साथ मर्ज हो गया, उसको हम कैंपस स्कूल कहते थे। तो अब ये जो नई पॉलिसी है 2021 ये UC लेवल पे है। ठीक है जी, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये UC लेवल पे डिफरेंट क्लस्टर्स बनाए गए हैं। फिर उसी अब मेन चीज़ है कि ये फीडर स्कूल वो सारे प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे। फिर ये प्रॉब्लम इसका मेन रीज़न भी ये था कि हमें इजी ट्रांजिशन होनी चाहिए, बच्चे प्राइमरी से नेक्स्ट जो लेवल ग्रेड होंगे तो वो उसी सेल में से अटेंड करेंगे, मतलब कि वहाँ से वो ग्रेजुएशन आगे क्लासेस लेंगे। अगर उस एरिया के अंदर वो पर्टिकुलर हमारे सारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेल भी हमारा प्राइमरी है, तो कोई एक स्कूल जो है वो जो सेल नोटिफाइड होगा उसको अपग्रेड करना गवर्नमेंट के लिए वो लाजमी होगा, क्योंकि पॉलिसी कहती है कि उस एक स्कूल को आप अपग्रेड करके या तो एलिमेंट्री हाई स्कूल करार दे दें, फिर वो फीडर स्कूल के प्राइमरी, क्योंकि वो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड स्कूल्स होंगे, ज़्यादा डिस्टेंस पे स्कूल्स नहीं होंगे, 5 से 6 विद इन 3 किलोमीटर्स के अंदर होंगे। ठीक है जी, तो ये हम अभी इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में लेके आते हैं के इसके पूरे फ्रेमवर्क को मैं डिस्कस करता हूँ।
तो इस आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको क्लस्टरिंग पॉलिसी क्लियर नहीं होगी तो बाकी उसके फंक्शंस या उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरह करेंगे, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आप इस चैनल को भी विजिट करते रहें और अपने ऑफिसर्स के साथ जितने भी हैं लोग मिलकर इस पॉलिसी के अंदर इसको समझें भी कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़।